कैसा लग रहा है? बहुत दिन के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो मैंने बोला चलो अब बनाते हैं रोज ब्लॉग और आपको दिखाते हैं वृंदावन। अब एक थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा, तो आप सभी का स्वागत है। वृंदावन धाम की जय, बंसी वारे की जय, श्रीमती राधा राने की जय, जय हो। तो मौसम एकदम अभी तो फिलहाल बढ़िया है। दो दिन पहले बहुत गर्मी थी, बट अभी नॉर्मल है, अभी अच्छा है थोड़ा सा, वैसे फिर से गर्मी आई जाएगी। चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ देखो हम सभी का हीरो थर्रा, कैसे हो? क्या गोदी गोदी कैसे लो? निशान प्रभु का जॉब लग गया है कि यहाँ पे सारे बच्चों को एक स्कूटी की अरे कहाँ बैठे? चलो उतर। ए ठर्रे कहाँ बैठेगा? क्यों भैया हमारी चप्पल कब आएगी? आज शाम को जाएंगे चप्पल लेने आप लोग का। इसको वहाँ से घुमा के यार लेके आओ। बच्चों जो जो नहीं घुमा, जो नहीं घुमा, जो घूम लिया जाओ जाओ जल्दी जाओ। ये इनकी आवाज कैसी है? ये बहुत आवाज निकाल लेते हैं, इनके पास बहुत टैलेंट है। किसके? सलमान खान तो कचरा आदमी है यार, निकलवाना। भक्त का नाम लो, ये बॉलीवुड वॉलीवुड वाले बेकार लोग है समझे, अच्छे लोगों का नाम। देखो तीन चार आवाज निकाल के दिखा दे भाई, इन लोग को बहुत खुश है लोग। अरे अरे सुना दे बच्चे लोग को, बच्चे लोग खुश हो जाएंगे। उधर ठहरे, उधर क्या नहीं चल उधर जाऊं भाई। अभी मैं आ रहा हूँ ना, अभी जाऊं बेटा कुछ खा पी लूं, गरीब पेट है तो सॉरी पापी पेट है। चलो ठहरा हाथ मिलाओ, मैं जाऊं। वेरी गुड। घड़ी नहीं मेरे भाई, अरे टूट जाएगा, अरे टूट। अच्छा एक बार दबा लो बस, तुम भी एक बार दबा लो पटपटापट खुश। चलो देख लो वो वाला घड़ी, देख लो देख लो, वो गरीब का घड़ी नहीं देखेगा। तुम लोग का घड़ी आ गया है, तीस या एक तारीख, एक तारीख को आप लोग की घड़ी आ जाएगी। चलो तुरका छोड़ो, चलो चलो चल भाई चल चल, नहीं तो साइकिल भी आएगी। ए ठर्रे ठर्रे को पहले हम दोनों के आ जाए। ये देखो ये ठर्रा की मम्मी है, क्या हाँ पेंसिल, आज पेंसिल भी आएगा। जो उस दिन पेंसिल दिया था उसका क्या हुआ? द रिचेस्ट मैन हियर द भाई, मेरी मर्जी में कोई भी कवर लगा के रखो भाई, पैसे की कमी नहीं रह गई अब। फिलहाल आया था मैं बैंक पैसे जमा करने, पैसे मतलब अपने पास वैसे तो है नहीं, बट जो भी थे बहन की शादी थी ना तो उसके लिए थोड़े से पैसे रखे थे, तो मैंने बोला भैया इसको पहले जमा कर दें। और अब धूप और अब गर्मी शुरू हो चुकी है भैया, जस्ट मैं प्रेम मंदिर के सामने हूँ। तो यहाँ देखो गैया मैया इतनी सारी, और गैया कितने से निकल गए? दो बैल। अपने आप को तो भैंस भी समझते हो क्या यार? नहीं मैं तो वही गधा हूँ। इस तरीके से हमारे जीवन में उम्मीद खत्म हो चुकी है। मंदिर जाते हैं तो हम उम्मीद लेके आते हैं, और पेट्रोल पंप जाएंगे तो गाड़ी में उम्मीद आएगी। इनफ फॉर टुडे हैव अ नाइस डे। इतने ट्रैफिक में मेरे को आज तक ये समझ में आया, दिल्ली वाले लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि यहाँ गाड़ी लगा देते हैं। और ये भी दिल्ली की गाड़ी है, मेरे को आज तक ये नहीं समझ में, इतना पूरा रास्ता है पार्किंग में लगा दो यार, 100-200 रुपए नहीं दिया है क्या भगवान ने? ये उम्मीद सिर्फ दिल्ली वाले से ही कर सकते हैं। खैर दिल्ली वाले आप लोग बुरा मत मानना भाई, क्योंकि हमने सच्चाई दिखा दी। ये शादी में दहेज लिया स्कूटी, इसके ऊपर अपने पति के मर्डर का केस है। ये देखो ये हमारे प्रभु जी हैं, ये यहाँ पे काम करते हैं, और ये प्रभु जी ने क्या भजन बजा के, क्या मिलता है आपको जब भजन वजन सुन के? बढ़िया आनंद आता है, आनंद आता है। अरे मेरी माँ का क्यों फोन आ रहा है? चलो प्रभु जी राधेश्याम। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोपहर के टाइम मंदिर, काम उम करके भगवान के दर्शन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मंदिर में एक नया रूल आ गया है कि हम भगवान की वीडियो और फोटो नहीं निकाल सकते। तो ये अभी नया जनहित में जारी हुआ है, तो आपके कारण मेरे
सब इसके कारण। मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैंने तो बस छोटा सा, कोई नहीं, भगवान का अच्छा है ना, भगवान का फोटो वीडियो क्यों लेना। जिसको देखना है जाके वो इस्कॉन वृंदावन के पेज पे जाके देख लो, मंदिर का इतना अच्छा पेज है, लोग उस पे भी तो आने चाहिए। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समाधि मंदिर की जय। यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते, पैर बहुत जल रहा है, भागो। तो वहाँ देख रहे हो लिखा है ना कि सावधान, फोटो और वीडियो लेना, जुर्माना 1,000 रुपए। मंदिर के अंदर घुसते ही ये जुर्माना शुरू हो जाएगा और मैं इस जुर्माना का भागीदारी नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं बड़े मेहनत से पैसा कमाता हूँ। यहीं से कैमरा बंद, क्योंकि 1,000 रुपए फाइन है। तो भगवान के दर्शन हमारे हो गए। गौर निताई जी ने भी ग्रीन कलर का पहना था, कृष्ण बलराम ने भी ग्रीन कलर का पहना था, श्याम सुंदर ने भी ग्रीन कलर का कपड़ा पहना था। और भगवान कृष्ण बलराम के बीच में 4 आम लटक रहे थे। तो जितने भी ये नियम बने हैं फोटो नहीं लेने का, ये शायद अच्छे ही हैं। तो हम भगवान को और ज्यादा ऑब्जर्व करके और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान ने क्या क्या पहना था। राधा रानी बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसा सा एक बैच लगा हुआ था राधा रानी के इस पे। तो कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुरीले लिए हुए थे। आप भगवान के बारे में बता पा रहे हैं, प्रभुपाद जी के बारे में बताता हूँ। प्रभुपाद जी ने सैफ्रन रंग का केरवा वस्त्र। वाह, कितना सुंदर भक्त है ये तो। अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं लोही बाजार, एक सामान खरीदना है। और निशांत प्रभु भी देखना कैसे बैक मारते हैं गाड़ी, कैसे टर्न करते हैं निशांत प्रभु। अभी राइड ले जाए। अभी हम लोग फिलहाल बांके बिहारी के रास्ते की तरफ, धूप भी उतनी ही है भाई, संभाल के चलाना। बांके बिहारी लाल की जय। अभी हम हैं बांके बिहारी जी के चौराहे पे। देखो इतनी गर्मी है ना, पर भी भक्तों की संख्या कम नहीं है। सारे भक्तों एवाई देख के चलाना, सारे भक्त लोग दर्शन के लिए आ गए हैं। और यहाँ पे किसी का चश्मा बंदर ने लेके जा चुका है। और सारे लोग वहाँ पे देखो, अगर आप जूम कर पाओगे तो ये देखिए, बिस्किट दे रहे हैं। अरे वो बिस्किट वाला नहीं है, वो फ्रूटी वाला बंदर है। जय हो बाके बिहारी लाल। ये भी एक फेस्टिवल है बंदर से छीनना। हमको लग रहा है पार्ले जी बिस्किट दे देंगे, बंदर दे देगा। तो देखो ये वाला देना प्रभु जी, ये वाला पप्पा वाला। ये मेरे पप्पा जी का कुर्ता है, पप्पा व्लॉग देख लो, ये वाला कुर्ता लिया हूँ, ठीक है ना, डबल एक्सल। सारा सामान खरीदने के बाद हम निकल रहे हैं। और इस पे बैठने की ना 100% इच्छा नहीं कर रही है। अरे भाई अद्भुत, अरे भाई सही में यार बहुत ज्यादा ही गर्म है। लोही बाजार की जय। मसाला डोसा, मसाला डोसा से भी ज्यादा डोसा हो गया, इतना ज्यादा गर्म है। तो ये आप जो देख रहे हो ना, दो ग्लास जूस, ये जो पूरा व्यंजन हमें जो प्राप्त हुआ है, ये हरी व्लॉग प्रभु जी के वजह से प्राप्त हुआ है। प्रभु जी भी बहुत सुंदर व्लॉग बनाते हैं। हमारा चप्पल कहाँ है, बहुत पैर जल रहा है भाई। तो हम चाहेंगे कि सारे लोग प्रभु जी का चैनल भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू प्रभु जी। अरे भाई बांटूंगा ईमानदारी से, दो ग्लास तो ये ठीक है, ये इस पे आपका भरोसा नहीं, इसका यकीन डिवाइडेड नहीं है भाई। बहुत चीजें है, ओल्ड ड्राई फ्रूट्स है मेरे भाई। और इस ठंडी में सिर्फ और सिर्फ हमें, ठंडी क्यों बोल रहा हूँ, गर्मी, इस गर्मी में हमें सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदा रखी है, वो है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पियो, कोको कोला छोड़ो, कोको कोला का मार्केट गिरा दूंगा मैं। ब्रज प्रभु ने ये टोपी मंगाया है, अच्छा लग रहा है मेरे। दुनिया को टोपी पहनाता है, तेरे को टोपी पहनाया क्या मैंने आज तक? अरे रोज ही तो भारी उल्टी पहनी हो, सीधी पहननी हो, सीख ले। अरे पैसे नहीं खरीदते क्यों? एक मस्त तरीका था, पता है? आप ही नहीं, हाँ आप पहन के दिखाओ। इज्जत का कचरा करते ऐसे लगा दिए, ये देखो इतना भरोसा नहीं है यार। ये प्रसाद तो खत्म कर दो यार, बता रहा हूँ इसको टोपी से पीछे लगा। अरे नहीं करेगा यार, इधर देख, ये देखो क्या मस्त लग रहा है ना। रबड़ नहीं है, नहीं तो कीच को जोड़ देता, लगता गाट कर गया। निशान इसको खत्म कर दो यार। नहीं यार, नहीं यार, बहुत ज्यादा है। खा ले यार, अरे नहीं गोपी है ना, गोपी को डेट। तो हम लोग ना फिलहाल आए थे, जो सुबह पैसा जमा किया था 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। पीएनबी बैंक वाले में पता नहीं क्या तो दिक्कत आ रही थी, तो निशांत प्रभु ने बोला 6 करोड़ रुपए लो और पूरा क्रेडिट करो अभी। 600 रुपए डिपॉजिट करके कितना बड़ा हीरो बन रहा हूँ यार मैं। 600 रुपए डिपॉजिट किया है, क्या 5 करोड़ डिपॉजिट किया है? 5 करोड़ में कितने 5 होते? 5 तो 1 ही होते, 5 तो 1 ही होते। कभी देखा है 5 की? देखा है? मुझे मत सिखाना निशान, पता है क्या? मुझे कभी सिखाना मत। क्या यही क्या? 5 करोड़ रुपया है मेरे पास। कितना? 500 रुपया, किसी को बताऊंगा नहीं। अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ, सच बताऊँ इतनी गर्मी है। सुबह तो नॉर्मल था, बट अभी तो बहुत ज्यादा है।
जल्दी से घर पे पहुंचो, ये ब्रश प्रो का टोपी चुरा के लाया हूँ और मैं अपना सामान ब्रश प्रो के पास भूल गया। तो भैया जी इतनी गर्मी है और पहुंच गया हूँ मैं सेवा में, अब यहाँ पे सेवा करके फिर आगे। ये बच्चों देखो थर्रा भी बैठा है वहाँ पे प्रसाद पा रहा है। हाँ आइसक्रीम आइसक्रीम है आज प्रसाद में, आज तो मजे है। तो भैया देखो आज है प्रसाद में आइसक्रीम। थर्रे मिली आइसक्रीम आ गई, एक खाओ पहले, एक खाओ, खोलो उसको, वेरी गुड खाओ। सारे बच्चे जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे वृंदावन धाम की, राधा रानी की, विराज महाराज की, माँ प्रसाद की, जय जय श्री राधे। भैया अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ, यद्रा विजय प्रभु आ रहे हैं, बोले दो मिनट रुको, फिर निशान प्रभु के साथ में थोड़ा जाएंगे, देखते हैं यमुना जाते हैं, यमुना के दर्शन कराते हैं आपको। देखो ये इतने अद्भुत संत है प्रभु जी कि बांके बिहारी जी की तस्वीर को लेके चले जा रहे हैं यार, सब भगवान के दीवाने लोग हैं यहाँ पे, देख के आनंद ही आ गया यार। जय हो परिक्रमा मार्ग की जय हो। वृंदावन के किसी भी कोने में चले जाओ आपको ट्रैफिक अब मिलना ही मिलना है, क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि लोग कैसे भी गाड़ी लगा देते हैं, पूरा जाम है भाई साहब अपरंपार। शाम के वक्त आज इतने सारे डिवोटीज परिक्रमा लगा रहे हैं, जैसा लग रहा है कोई तो कार्यक्रम है आज, एवरीडे इस कार्यक्रम हियर, छोटे छोटे बच्चे परिक्रमा लगा रहे हैं, जो छोटे बच्चे बैठ के वीडियो देख रहे हैं ना वो लोग भी जब वृंदावन आएंगे तो वो भी परिक्रमा लगाएंगे, पैदल लगाएं पूरा, फिर मजा आएगा। ये बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, बाबा जी दंडवत की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो भैया जाने वाले थे यमुना के पास, हम जा नहीं पाए। तो आज सुबह जब मैं भागवतम पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज मिली जो कि मैं चाहा कि आप लोग के साथ में शेयर करो, ध्यान से सुनना। तीर्थाटन का उद्देश्य श्री भगवान का निरंतर स्मरण करना है और इसलिए श्री भगवान तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं। तीर्थस्थान की यात्रा करने का उद्देश्य श्री भगवान की महिमा के गायन करने का अवसर प्राप्त करना है। आज भी यद्यपि समय बदल चुका है फिर भी भारत में तीर्थस्थान के अनेक स्थल होते हैं। पूरा पढ़ूंगा तो ध्यान से सुनोगे, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आगे से, एक पढ़ लेना ध्यान से। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। क्या होने वाली है इंटरेस्टिंग चीज तो कल ही पता चलेगा आपको। तो अभी मैंने शुरू किया है व्लॉगिंग फिर से काफी दिनों बाद, तो आई होप आपको पसंद आएगा। और आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैंने गिरिराज जी का दर्शन क्यों नहीं कराया, तो अभी गिरिराज जी के दर्शन कर लो और फिर कल मिलते हैं आपसे आराम से। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरि गोवर्धन की जय, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय।